झूठ का पुलिंदा था, झूठ उनसे पढ़वाया गया है, कुछ तो संवैधानिक मजबूरियां होती है। जो भी योजनाओं के बारे में गिनाया गया सारा योजना फेल है। आप जाके पता करिए पूरे राज्य में कहीं भी नल जल की योजना पास काम नहीं कर रही है, हर जगह फेल है। तो झूठ का पुलंदा साबित हुआ महामहिम का अभिभाषण। जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरी सरकार फेल है। जो जो पढ़वाया गया झूठ का पुलिंदा, सब झूठ का पुलिंदा है, सब चीज में सरकार फेल है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जब प्रतिदिन 10 से 12 लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है, पर ये जंगल राज है, न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है, ये अन्याय के साथ गर्त में बिहार को ढकेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, अभिभाषण पे क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं बीजेपी के नेता, वो आप सुने। झूठ का पुलिंदा था, झूठ उनसे पढ़वाया गया है, कुछ तो संवैधानिक मजबूरियाँ होती है, जो कैबिनेट जो देगा वही पढ़ेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था, छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या, नल जल योजना, इन सब पर फर्जी आंकड़ा दिया गया है और राज्यपाल से झूठा पढ़वाया गया है। देखिए, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है वो हम समझते हैं कि पूरी तरह झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है। पूरे राज्य में कहीं भी विकास का काम नहीं हो रहा है, अपराध चरम पर है, अपराधी बिहार में तांडव कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के संरक्षण में सारा अपराध हो रहा है। जो भी योजनाओं के बारे में गिनाया गया सारा योजना फेल है। आप जाके पता करिए पूरे राज्य में कहीं भी नल जल की योजना पास काम नहीं कर रही है, हर जगह फेल है। तो झूठ का पुलंदा साबित हुआ महामहिम का अभिभाषण। संरक्षण रिपोर्ट भी सर पेश किया, बिल्कुल सारा अभी गलत है। झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, जो सरकार चाहती है वही महामहिम राज्यपाल को पढ़ना पड़ता है। जितनी भी योजना पढ़वाई गई सब फेल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, शराब माफिया जो है खुलेआम यहाँ शराब बिक रहा है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरी सरकार फेल है। जो जो पढ़वाया गया झूठ का पुलिंदा, सब झूठ का पुलिंदा है, सब चीज़ में सरकार फेल है और इस सरकार आम जनमानस का इस सरकार से मोह भंग हो गया है और आम जनमानस दिखाने वाली है सरकार को। आर्थिक सर्वेक्षण, जो जिले गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो समृद्ध जिले हैं वो और समृद्ध होते जा रहे हैं। मिथिलांचल का सारा जिला, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, सहरसा हो, पर कैपिटा इनकम और जो इधर के जिले, उस दोनों के पर कैपिटा इनकम में बहुत अंतर है। इसको सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राज्यपाल महोदय विद्वान हैं, राज्यपाल महोदय ईमानदार हैं, लेकिन उनको जो पढ़ने के लिए सरकार ने दिया है वो केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से मुबारकपुर में लाठियों से पीट पीट कर जिस तरीके मकई को पीटा जाता है, लोगों की निर्मम हत्या की गई है। जेठुली में आपने देखा है कि किस तरह से गोलियां चलाकर लोगों की निर्मम हत्या की गई है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जब प्रतिदिन 10 से 12 लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है, पर यह जंगल राज है, न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है, यह अन्याय के साथ गर्त में बिहार को ढकेला जा रहा है। आपने बीजेपी के नेताओं को सुना जिन्होंने राज्यपाल के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। ये जो अभिभाषण है ये पिछले बजट सत्र में भी दिया गया था, ये सारी बातें जो हैं झूठ बताया गया है, बीजेपी के नेताओं की ओर से झूठ का पुलिंदा बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर यह सवाल खड़ा होता है कि राज्यपाल के भाषण को, अभिभाषण को जो है झूठ का पुलिंदा बीजेपी के द्वारा बताया गया है, तो अब महागठबंधन के सरकार इस पे क्या कुछ जवाब देती है, क्या कुछ और सियासत होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।